दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों अभी मैं हूं बलसाड़ में और बलसाड़ आता गुजरात के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पर और ये स्टेशन से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और यहाँ देखने की बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बलसाड़ की कुछ खासियत हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बलसाड़ के अंदर केसरी आम है वो काफ़ी फेमस है और साथ में बलसाड़ के आम को बहुत ही पसंद किया जाता है, मगर ये सीजनेबल है, सीजन पे ही मिलता है। और साथ के साथ यहाँ का चीकू है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों अगर कभी भी आप बलसाड़ में आते हैं तो केसरी आम ज़रूर खा के जाएँ, उसका टेस्ट ही बहुत प्यारा है। और चीकू की बात करें हम तो चीकू भी ज़रूर टेस्ट करें क्योंकि उसका भी टेस्ट अलग है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ जो फेमस है साईं बाबा का मंदिर वो। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, आपको मैं साईं बाबा का मंदिर दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि बलसाड़ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर दमन पड़ता है, तो वो ज़रूर देख के जाएँ क्योंकि वहाँ अगर आप जाते हो तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि वहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी मैं साईं बाबा के मंदिर में खड़ा हूँ बलसाड़ के अंदर और ये जो मंदिर है भव्य मंदिर है और 2005 में इसका नया निर्माण हुआ है। क्योंकि मैं जब यहाँ से करीबन 10 या 15 साल पहले आया था तो ये मंदिर बहुत ही छोटा हुआ करता था, मगर अभी इस वक्त इस मंदिर का निर्माण 2005 के अंदर हुआ और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मूर्ति देखते ही बनती है, साथ में यहाँ पर दूर दूर से लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर आप जब भी बलसाड़ आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन लाभ जरूर लें और साथ के साथ यहाँ जो आसपास का और भी मंदिर है उनको देखें। और जस्ट इसके सामने अगर बात करता हूँ मैं तो यहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा देखने को, उसके भी देखते ही बनता है, मज़ा आ जाता है क्योंकि वो जो दृश्य यूँ कहूँगा मैं कि आँखों को भा जाता है। तो दोस्तों जब भी आप बलसाड़ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आके जाएँ। दोस्तों जो ये मंदिर है साईं बाबा का, ये शिरडी बाबा जो हैं साईं बाबा उनका ही प्रतिरूप है, ये उनकी ये कहेंगे हम वही प्रतिमा है। और इसलिए इस मंदिर को की काफ़ी मान्यता है क्योंकि जो शिरडी वाले साईं बाबा है उनको और इनको एक ही माना गया है, इसलिए ये साईं बाबा के लोग बाग दर्शन करने काफ़ी आते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो साईं बाबा का मंदिर है उसके सामने देखिए दृश्य, जो ये दृश्य है जो यहाँ गार्डन बना हुआ है मन को मोहता है और साथ के साथ आँखों को भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं, आप लोग इस दृश्य को देख के वास्तव में काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि जो दृश्य वो इतने मनमोहक है कि देखने को नहीं मिलते। ये अधिकतर गुजरात या महाराष्ट्र में ही हम बात करेंगे तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं क्योंकि हरियाली और साथ के साथ यहाँ पानी की व्यवस्था भी है। दोस्तों साईं बाबा का जो मंदिर है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, मगर उसके साथ साथ यहाँ पर भक्तों के लिए कैंटीन की व्यवस्था भी है और साथ के साथ यहाँ रहने की व्यवस्था भी है और आराध्य यहाँ पर एक कहेंगे केंद्र है, यहाँ बैठने की जो सभा होती है जो भी भक्तजन आते हैं वो वहाँ बैठ कर अपना टाइम भक्ति में लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं साईं बाबा का नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप आएँ तो ये सब चीज़ें देख के जाएँ, कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं जाए ये विशेषकर ध्यान रखें। और अब हम लोग चल रहे हैं समुद्र की ओर क्योंकि साईं बाबा के जस्ट सामने तो वास्तव में देखते ही बनता है, मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा उसको देखकर। आप देखिए पूरी तरह से ये पूरा समुद्र है और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र है, ये देखिए बहुत दूरी तक फैला हुआ समुद्र है और अभी ये बंद है। दोस्तों अभी मैं बलसाड़ में हूँ और बलसाड़ में मुझे जानकारी मिली है कि बड़ा पाव बहुत ही फेमस है यहाँ का और वो भी राजा रानी जो रेस्टोरेंट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं इसका, तो यहाँ मैं टेस्ट करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि कैसा लगा। और अगर आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ टेस्ट जरूर करके जाएँ, बलसाड़ में आते हैं तो राजा रानी का बड़ा पाव जरूर खा के जाएँ। तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें।
आप सामने देख रहे हैं ये राजा रानी रेस्टोरेंट है और यहाँ का बड़ा पाव बहुत ही फेमस है वलसाड़ के अंदर, तो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहें। ये आप देख पा रहे हैं ये बड़ा और ये पाव है, इसे बोलते हमारी भाषा में बाटी या डबल रोटी, और इन दोनों को मिला के बनता है ये बड़ा पाव। तो हम लोग टेस्ट करते हैं इस बड़ा पाव, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है ये फेमस है, तो इसको मैं भी टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। हाँ, बराबर टेस्ट है और टेस्टी होने के कारण हम लोग इसको पूरा खाते हैं। और आप लोग जब भी आते हैं यहाँ पे बड़ा पाव ज़रूर खा के जाएं, क्योंकि ये वलसाड़ का फेमस फूड माना गया है इसे। आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताएं मुझे। टेस्ट बहुत प्यारा, मज़ा आ गया खा के।